कैंप में 46 लोगों का किया गया सैंपलिंग। सीएचसी प्रभारी वीके बनवाल के नेतृत्व में आज गगहा सीएचसी पर कैंप लगाकर 46 लोगों का सैंपल लिया गया, जिसमें एंटीजन किट के द्वारा 3 लोग पॉजिटिव पाए गए और 20 लोगों का आरटीपीसीआर आया। इस मौके पर डॉक्टर जमाल, अनिता विनीता, सतेंद्र भारती एवं अन्य कर्मचारी गण उपस्थित रहे। पॉजिटिव आए लोगों को होम आइसोलेशन के लिए बताया गया और उन्हें दवा का भी वितरण किया गया। डॉक्टर वीके बनवाल का कहना है कि कोरोना जैसे महामारी को देखते हुए प्रतिदिन कैंप लगाकर कोरोना का जांच किया जा रहा है, ताकि कोरोना जैसी महामारी पर काबू पाया जा सके। दहेज कम मिलने पर प्रताड़ित करने का आरोप हांटा बाजार। गोला क्षेत्र के खखरी निवासी प्रदीप पुत्र धर्मेंद्र ने गगहा पुलिस से मिलकर बहन के ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। तहरीर के मुताबिक प्रदीप के बहन की शादी 3 वर्ष पहले गगहा क्षेत्र के राजगढ़ निवासी जितेंद्र पुत्र राधे श्याम के साथ हुई थी। आरोप है कि दहेज में बाइक न मिलने को लेकर ससुराल वाले आए दिन बहन के साथ मारपीट करते हैं। बीते 17 सितंबर को भी मारपीट कर उसे घायल कर दिए तथा 2 साल के बच्चे को छीन कर घर से निकाल दिए हैं। इस संबंध में कार्यवाहक प्रभारी राम प्रवेश सिंह का कहना है कि मामले की छानबीन की जा रही है, वैसे मारपीट का मामला है। कोरोना जांच के कैंप में 46 लोगों का किया गया सैंपलिंग। सीएचसी प्रभारी वीके बनवाल के नेतृत्व में आज गगहा सीएचसी पर कैंप लगाकर 46 लोगों का सैंपल लिया गया, जिसमें एंटीजन किट के द्वारा 3 लोग पॉजिटिव पाए गए और 20 लोगों का आरटीपीसीआर आया। इस मौके पर डॉक्टर जमाल, अनिता विनीता, सतेंद्र भारती एवं अन्य कर्मचारी गण उपस्थित रहे। पॉजिटिव आए लोगों को होम आइसोलेशन के लिए बताया गया और उन्हें दवा का भी वितरण किया गया। डॉक्टर वीके बनवाल का कहना है कि कोरोना जैसे महामारी को देखते हुए प्रतिदिन कैंप लगाकर कोरोना का जांच किया जा रहा है, ताकि कोरोना जैसी महामारी पर काबू पाया जा सके। चैन छीनकर भाग रही महिलाओं को किया गिरफ्तार। चौरी चौरा कोतवाल प्रमोद कुमार त्रिपाठी को मिली बड़ी कामयाबी। चैन छीनकर भाग रही महिलाओं को किया गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर सभी को भेजा जेल। चौरी चौरा थाना क्षेत्र के तरकुलहा मंदिर में एक श्रद्धालु महिला के गले से सोने की चैन छीनकर भाग रही महिला गिरोह को किया गिरफ्तार। पुलिस ने महिला की छीनी गई सोने की चैन को भी बरामद किया। सभी महिलाओं के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर भेजा जेल। सफाई के अभाव में बेहाल पड़ा प्राथमिक विद्यालय व जूनियर हाई स्कूल। नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उनवल वार्ड नंबर 3 में पढ़ने वाले प्राइमरी स्कूल टेकवार इंग्लिश मीडियम, न्याय पंचायत संसाधन केंद्र, जूनियर हाई स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र कुछ पुराने जर्जर भवन पर बेसिक शिक्षा विभाग लापरवाही का मंजर खड़ा किए हुए हैं। स्थिति ऐसी होगी किसी ने सोचा तक नहीं होगा कि शिक्षा के मंदिर में रखरखाव के नाम पर हजारों लाखों रुपए आते रहते हैं, लेकिन सफाई के नाम पर जर्जर भवन को हटाने के नाम पर कुछ नहीं किया गया। सरकार तमाम कोशिशों को अंजाम देने में लगी है कि इस अनलॉक के दौरान कोरोना महामारी संक्रमण पैदा करने वाले कारणों को जमीन से लेकर हवा तक समाप्त किया जाए। वहीं बेसिक शिक्षा परिषद को जरा भी शिकन महसूस नहीं हो रहा है कि मेरे विभाग के विद्यालयों में पानी जमा होना, पशु चारागाह का तैयार होना, नगर पंचायत के कचड़ों का फेंका जाना, पहले के पुराने जर्जर भवन का निस्तारण नहीं होना विभाग की लापरवाही की साफ झलक मिलती है। इस पर एबीएसए बासगांव से बात हुई तो उन्होंने हेडमास्टर व नगर पंचायत पर दोष मढ़कर अपना पल्ला झाड़ने का प्रयास किया। बाउंड्री वाल पर प्रस्तावित कागजात के भेजने की भी बात कही। बासगांव ब्लॉक के तियर ग्राम प्रधान की दबंग गई। स्थानीय परिषदी विद्यालय परिसर में ही जबरन बनवाया जा रहा है सामुदायिक शौचालय। प्रभारी प्रधानाचार्य के मना करने के बावजूद कराया जा रहा है निर्माण। प्रधानाचार्य ने उच्चाधिकारियों से की शिकायत। शासनादेश संख्या 851/65/2020 दिनांक 14 अगस्त 2020 के अनुसार किसी भी प्राथमिक विद्यालय में
सामुदायिक शौचालय का नहीं कराया जा सकता है निर्माण। विद्यालय में निर्मित शौचालय का उपयोग सिर्फ छात्र, शिक्षक तथा कर्मचारी ही कर सकते हैं। विद्यालय बंद होने के बाद भी नहीं किया जा सकता है सार्वजनिक रूप से उपयोग। शासनादेश का पालन न करने वाले प्रधान तथा प्रधानाचार्य के ऊपर होगी सख्त दंडात्मक कार्रवाई। BSA गोरखपुर के निर्देश पर खंड शिक्षा अधिकारी ने DPRO गोरखपुर को कराया पूरे मामले से अवगत। DPRO द्वारा काम रोकने के लिए दिए गए निर्देश के बाद भी प्रधान द्वारा कराया जा रहा है निर्माण। प्रधान टीयर के ऊपर नहीं होता है किसी भी शासनादेश या अधिकारी के आदेश का असर। NH 29 के बदतर हालात सरकार को मुंह चिढ़ा रहे हैं निर्मला पासवान। कौड़ी राम गोरखपुर वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग के बदतर हालात एवं जगह जगह टूटे हुए रोड से आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रोड की लचर व्यवस्था पर कांग्रेस पार्टी की जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान ने सवाल उठाया तथा आज बाघागाड़ा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई कांग्रेसियों के साथ धरने पर बैठ गईं। पुलिस प्रशासन द्वारा धरने को समाप्त करने के लिए कहा गया, परंतु जिलाध्यक्ष ने कहा जब तक किसी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा इसकी जिम्मेदारी नहीं ली जाती है कि यह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, तब तक वह धरने पर से नहीं उठेंगी, जिसके कारण पुलिस प्रशासन ने जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गोला थाना क्षेत्र में तमंचा लगाकर युवक से बाइक लूट का मुकदमा गहन जांच के 12 दिन बाद हुआ दर्ज। गोला थाना क्षेत्र के पकड़ी पुल के पास बीते 10 सितंबर को देर रात बाइक से घर जा रहे युवक को असलाहा सटाकर दो लोग बाइक छीनकर फरार हो गए। पीड़ित ने घटना की लिखित सूचना गोला पुलिस को दिया था। 12 दिन बाद जांच पड़ताल कर गोला पुलिस अज्ञात के विरुद्ध धारा 394-506 IPC में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दिया है। प्राप्त विवरण के अनुसार गोला क्षेत्र के ग्राम कोडरी निवासी सोनू पाठक बाइक से कौड़ी राम अपने बहन के घर गए थे। गुरुवार की देर रात को वे पकड़ी पुल को होते हुए घर जा रहे थे। वे अभी पुल से थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि पीछे से बाइक से आए दो युवकों ने उन्हें रोका और दो झापड़ मारकर असलाहा सटा दिया। वे घबरा गए, जिसके बाद युवक बाइक लेकर वापस पकड़ी चौराहे की ओर फरार हो गए। घटना की सूचना गोला पुलिस को मिली। गोला पुलिस सूचना पाते ही सक्रिय हो गई। पीड़ित जब थाने पर पहुंचा तो नशे की हालत में था। गोला थाने पर लिखित तहरीर दिया। इस संबंध में कोतवाल संतोष कुमार सिंह का कहना है कि पीड़ित के लिखित तहरीर पर अज्ञात के विरुद्ध लूट का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दिया है। लूटी गई बाइक का पता अभी नहीं चल पाया है। सावधान तालाब नहीं सड़क है, किसी मुसीबत से कम नहीं है। वाहन तो दूर, पैदल चलना भी दुश्वार। सरकार कितना भी ढिंढोरा पीट ले कि सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं, लेकिन हकीकत नजारा कुछ और ही है। बता दें कि गोला उरवा मार्ग, गोला बढ़लगंज मार्ग व गोला कौड़ी राम मार्ग की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। कभी कभी वाहनों के फंस जाने से पूरा दिन ही निकल जाता है। गोला चौराहे के अगल बगल सड़क में कितने गहरे गड्ढे बने हैं उसकी गिनती नहीं की जा सकती है। बड़े बड़े गड्ढों की वजह से एक गाड़ी फंसती है तो सड़क पर वाहनों की कतार लग जाती है। बता दें चौराहे के अगल बगल सड़क तालाब में तब्दील हो गया है। कहां ज्यादा गड्ढा है कुछ पता ही नहीं चलता है। जो लोग स्थानीय नहीं है वह लोग सड़क पर रुककर पहले देखते हैं कि कैसे गाड़ियां निकल रही हैं, तब अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कितनी सरकार आई और गई, लेकिन यह सड़क मार्ग इस स्थिति में कभी तब्दील नहीं देखी गई। ऐसे में राहगीरों में काफी रोष बन रहा है। गोला में PCS में चयनित छात्र को जायसवाल समाज के लोगों ने किया सम्मानित। नगर पंचायत गोला के वार्ड संख्या 9 में स्थित राम जानकी मंदिर के प्रांगण में बुधवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें वर्ष 2018 की PCS परीक्षा में चयनित पूर्व छात्र को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जायसवाल समाज के अध्यक्ष मनीष जायसवाल ने कहा कि अच्छी शिक्षा छात्र के मनोबल को बढ़ाती है और वहीं छात्र अपने शिक्षा के बदौलत अपनी प्रतिभा को उजागर करता है तथा अपनी कड़ी मेहनत से इस मुकाम पर पहुंचता है। अपने इसी प्रतिभा के बल पर अपने माता पिता, परिवार तथा क्षेत्र का नाम रोशन किया है। अपने परिवार से पाए संस्कार के अनुरूप अच्छा आचरण करें और जनता की सेवा अपने पूरे मनोभाव से करें, क्योंकि यह सेवा भाव समाज के साथ साथ ही आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति की ओर अग्रसर करेगा। आज जायसवाल समाज के साथ साथ
सभी लोगों का मनोबल बढ़ा है और इस सफलता से और छात्र भी सीख लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और अपने क्षेत्र परिवार का नाम रोशन करेंगे। अंत में गोलाप नगर के वार्ड संख्या 11 निवासी व डिप्टी कलेक्टर पद पर चयनित पीयूष जायसवाल को जायसवाल समाज के लोगों ने फूल मालाओं से सम्मानित किया। इस अवसर पर सभासद दीपक जायसवाल, डॉक्टर संजय जायसवाल सहित आदि लोग मौजूद रहे। देखिए पूर्वांचल की बड़ी खबरें वीडियो मोड में बांसगांव संदेश ऐप को अभी डाउनलोड करें।